अथियो बलिया के सिर। अरे सूल की डार में फूल खिलते सदा, मुस्कुराने की हसरत राजनित में समाई। अरे बुराई के बदले किया जो भलाई, सच वही सख्स जन्नत को पाई। पला जो प्रतिशोध का भाव मन में, अरे पला जो प्रतिशोध का भाव मन में, पता का विजय का फहरने न पाया। अरे ओम प्रकाश गरीबों के लिए भगवान है, श्री भगवान यादव को अपने गले से लगाया। एक लाइन कवाली गजल के तर्ज लगल, शुरुआत में कवाली उहे बाप का कि यारे बसी यकू, अरे बसी यकूर दुनिया है रे इसी संसार के नीचे। मगर बिरहा जगत के अंदर कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखे हैं, काम बड़ी अच्छी बात आप उनके सामने जो बिरहा में पेश कर गिल बाकवाली गजल में काम कि अरे सभ्यता, अरे सभ्यता या जब भारत की रे जलाई जाती है यारो। अरे मगर खून की दरिया रे, अरे मगर खून की दरिया रे बहाई जाती है यारों। बलिदान दे दिया, अरे बदले में गोरो ने हिंदुस्तान दे दिया। कैसे चलेगा राज भारत माता यालापी, कर दिए मुलायम सिंह आजादी की कापी। मेरे बाबूजी यहां से बिरहा का शुरुआत भल, आप लोगों के सामने एकदम नई नई बात, आ बात का बा विदेशिया के अंदर बात लगल का कि जिला गोरखपुर गुलरिया बथनावा हो, ग्राम से मरा कर रहल राजा राम पासावाना जी। बीते कुछ दिन सीता देवी से शादी कैले, कुछ दिन बाद भइले गोदी में लालाना। बाबूजी ये आपके सामने गुलरिया थाना ग्राम सेमरा के रहे वाला राजा राम पासवान। राजा राम पासवान बाबूजी एक गरीब व्यक्ति थे, उनकी शादी हो गई सीता नाम की दुल्हन से। सीता घर में दुल्हन बन के आई, धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगा।
कुछ दिन जब बीत गया, सीता देवी के गोद में एक लाल पैदा हुआ। उस लाल का वो लोग नाम रखे मर्द मेहरारू मिल करके ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश पासवान बहुत अच्छी बात, वो लोग अच्छे जो है नाम रखे। चून के नाम जो हिंदुस्तान की धरती पर बाबूजी सहनाई बजा बजेगा। आज धीरे धीरे लड़कवा जब बरही निकलती है बाबूजी, बरहवे दिन लड़कवा के सखिया गांव भर के जितना रहली मंगल गीत गावत हुई। देखा स्टूडियो के अंदर कैलाश बाबू हमार हंसत हुमन। आज देखा सखिया कुल अपनी पासवान जी के बारे में मंगल गीत गावत हुई, यानी सोहर गीत गावत हुई। तर्जवा उहे लग गल का उहे तर्जवा कि अरे कान्हा काहे को बासिया बाजा रे गयो, कान्हा काहे को बासिया बाजा रे गयो, कान्हा काहे को बासिया बाजा रे गयो। लेकिन आज बाबूजी भयल का तनी है बतिया सुना कि ए भैया अरे भैया द्वारे बा भैया आजा बाजे लागल, भैया द्वारे बा भैया आजा बाजे लागल, भैया द्वारे बा भैया आजा बाजे लागल। सखिया गावे मंगल गीत द्वारे अइले ही तानी त द्वारे, अरे भैया ए भैया घरवाया गानावा के साजे लागल, भैया घरवाया गानावा के साजे लागल, भैया घरवाया गानावा के साजे लागल। बाबूजी बचवा के बरही में राजा राम पासवान अपने हित नात मित्र गांव के पूरे लोगों को बुलवा करके बरहिया के दिन भोज भात खिलाए। आज जब भोज भात खिलाए बाबूजी, लड़कवा धीरे धीरे 10 वर्ष का हो गया, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, विद्या हासिल कर लेता है, धीरे धीरे और आगे उन्नत कर गया ओम प्रकाश पासवान। यहाँ तक लेगी बाबूजी हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का जो है परीक्षा पास कर लेता है। आज जब 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लिया, उत्तर प्रदेश पुलिस की बाबूजी भर्ती के जो है कि बोर्ड निकला हुआ था, पढ़ करके फार्म को भर दिया। ओम प्रकाश पासवान जा करके पुलिस में भर्ती होने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में जब खड़ा हो गया मेरे बाबूजी, इन चार साहब जो भर्ती लेने वाले थे, कमांडर साहब नाप जो कर तौल कर करके सीना और लंबाई लाप करके बाबूजी जो है कि ओम प्रकाश पासवान पुलिस में भर्ती हो गया। आज जब भर्ती हो गया बाबूजी, एक लाइन तर्ज बदल गल। आज तर्ज उहे बा एक ठे दुल्हन के दुल्हा भर्ती भयल। आज भर्ती भयल तो कैलाश बाबू चल गल मिलिट्री में। आज मिलिट्री में चल गल और घरे छुट्टी आयल बा एक दिन, दुल्हनिया जोंजवा गहना पहिर के अपनी बलमा के सामने आयल बे, देखले हन ओकर राजा बंदूक उठा लन तरज वह बा कि अरे जब से सिपाही से, अरे जब से सिपाही से भइले हवलदार हो ना थुनिया पर गोली मारे, तन थुनिया पर गोली मारे अब बलमा हमार हो ना थुनिया पर गोली मारे, बलमा हमार हो ना थुनिया पे गोली मारे, बलमा हमार हो ना थुनिया पे गोली मारे। भइल का कि कई के पढ़ाई बीरा, अरे कई के पढ़ाई बीरा बने हो नहार हो सिपाहिया में भर्ती भइले, ओ कई के पढ़ाई बीरा बने हो नहार हो सिपाहिया में भर्ती भइले, अब भैया पासवान हो सिपाहिया में भर्ती भइले, भैया पासवान हो सिपाहिया में भर्ती भइले, भैया पासवान ट्रेनिंग के बाद जब थानावा पर आइले, ट्रेनिंग के बाद जब थानावा पर आइले, ट्रेनिंग के बाद जब थानावा पर आइले, ट्रेनिंग के बाद जब थाना
ट्रेनिंग 6 महीना पुलिस के बीतने के बाद में आज ओम प्रकाश पासवान जो है बाबूजी थाने पर ड्यूटी लग गई। आ जब थानवा पर ड्यूटी लग गल तो देखा हल्का कि ट्रेनिंग के बाद थानवा पर आइल है एक दिन दरोगा संग विवाद हो गई भर्ती भैले भैया पासवान हो सिपाहिया में भर्ती भैले भैया पासवान हो सिपाहिया में भर्ती भैले। भाई साहब एक दिन के बाद जब थाने पर अइलन हां दरोगा जी कहलन कि अरे ओम प्रकाश सिपाही जरा एक गिलास मेरे को पानी पिला दो। इतनी बात को जब सुनता है ओम प्रकाश पासवान तो कहता है कि आ हा एक दरोगा की इतनी हिम्मत, अरे एक दरोगा की हिम्मत की एक अच्छे सिपाही से पानी मांगा। भाई साहब बात को सुन करके ओम प्रकाश पासवान का मत्था एकदम चौड़ा हो गया। अब मत्था जब चौड़ा हो गया बाबूजी दरोगा जी को ललकार करके ओम प्रकाश पासवान कहने लगा कि एक वो जमाना था कि मिटी गुलामी लवो आजादी, अरे मिटी गुलामी लवो आजादी भारत का कलकल बोला था, कितने खाए सीने में गोली फांसी का फंदा डोला था। तो भाई इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भिर्गू बाबा की जय। भाई साहब जय जयकार करते हुए ओम प्रकाश पासवान जो है अपनी वर्दी को उतार करके दरोगा के सामने रख दिया और कहा कि दरोगा जी ये आपकी वर्दी है, मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मैं गुलामी नहीं करूंगा, आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, मेरी ड्यूटी है बंदूक लेकर के ड्यूटी करना, आपके झाड़ू मारने वाला, वर्दी साफ करने वाला, पानी पिलाने वाला मैं नौकर ओम प्रकाश पासवान नहीं हूँ। भाई साहब नौकरी से इस्तीफा दे करके ओम प्रकाश पासवान घर चला गया और घर जा करके बाबू जी मेडिकल कॉलेज को ठीका लेकर के अपने जीवन की प्रवस्ती करने लगता है। धीरे धीरे काम आगे बढ़ गया, क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख उनको बनाया गया, ब्लॉक प्रमुख से कुछ पैसा कमा करके धन दौलत कमा करके निर्दल से बाबूजी उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद ओम प्रकाश पासवान जो है विधायक बनाए गए। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगा, भाजपा से जो है कि उन्होंने बाबूजी टिकट लेकर के अपना चुनाव लड़ा। आज भाजपा से लेकर के टिकट चुनाव को लड़ता है विधायक बनाया गया। आज 1993 में विधायक बनाया गया, तर्जवा बदल गल भल का। एक ठे दुल्हन का दुल्हा गवना करा के चल गए दुल्हनिया चिट्ठी लिखल बे भल का तर्जवा बा कि यार कि सोने के जवानी मोरा और माटी में मिलावता मुआवता, अरे मुआवता अब ही अइलना बलमुआ तरसावता, अरे सुनावेलन अपने साथियन से बतिया सुनावेलन, 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 अपने साथियन से बतिया सुनावेलन। अरे भाई पार्टी से हम जीतली चुनाव हो, ऐलान करके पासवान जी कहे लगलन कि भाजपा के पार्टी से हम जीतली चुनाव हो, अपना तो क्षेत्रवा के बानी भगवान हो, अपने तो क्षेत्रवा के बानी भगवान हो, और गांव में घूमी घूमी और फूल बरसा
साथिया सुनावेला आज भाजपा के विधायक बनाया गया, भाजपा के टिकट लेकर चुनाव लड़े आज भाजपा के विधायक बनाया गया। भाजपा से विधायक बनने के बाद बाबूजी अडवाणी के साथ घूमने लगता है ओम प्रकाश पासवान, धीरे धीरे साथ में घूमता है, आज अपने गांवों में घूमता है, गरीबों को गले से गले लगाता है, खुशी के फूल बरसाता है, लोग उन्हें प्यार करते हैं और कहते हैं कि आय हाय आज हम गरीबों के नेता ओम प्रकाश पासवान जी आ रहे हैं, लोग जय जयकार की बाबूजी आवाज लगा रहे हैं। लेकिन भैल का एक लाइन तर्ज लग गए, तर्ज बाबू है बाकी काली माई हो, काली माई हो तो ना इनका भाऊ वाली लार, भाई साहब कुछ दिन जब बीत गया भाजपा वालों के साथ बाबूजी झगड़ा हो गया, जब झगड़ा हो गया तो आज ऐलान करके बाबूजी सपा के पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव से जा करके ओम प्रकाश पासवान मिल जाता है, मिलने के बाद टिकट पाता है, चुनाव लड़ता है आकर के आज समाजवादी जनता पार्टी से, मुलायम टिकट दिलवाए, मुलायम गले से गले लगाए, तो आज ओम प्रकाश पासवान सपा से जो है कि विधायक बनाया गया, जब सपा से जीत गया तो आज ओम प्रकाश ऐलान करके कह रहा है काम कि आज ओम प्रकाश मुलायम के बोले लल जय जय कार, आज ओम प्रकाश मुलायम के बोले लल जय जय कार, आज ओम प्रकाश मुलायम के बोले लल जय जय कार, अरे लखनऊ में जब के बनी मोर सरकार, आज ओम प्रकाश मुलायम के करे लल जय जय कार, माथे आज से हरा बधाई, मुलायम के माथे आज से हरा बधाई, मुलायम के माथे आज से हरा बधाई, आय अडवाणी के राथिया का देव रोकावाई, अडवाणी के राथिया के देव रोकावाई, अडवाणी के राथिया के देव रोकावाई, और भाजपा के बगिया के करबे उजार रे, आज ओम प्रकाश मुलायम के करे लल जय जयकार, आज ओम प्रकाश मुलायम के करे लल जय जयकार, आज ओम प्रकाश मुलायम के करे लल जय जयकार। आज जब लखनऊ में आता है ओम प्रकाश पासवान विधायक तो ऐलान करता है कि आज भाजपा की बाग को मैं अवश्य ही उजाड़ूंगा। अरे जय श्री राम के नारा लगाने वाले अडवाणी के पार्टी के लोग खोल करके आप लोग सुन लीजिए, आपको हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, माननीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, मुलायम यादव जिंदाबाद, मुलायम यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राम विलास पासवान जिंदाबाद, श्री भगवान यादव जिंदाबाद। आवाज लगा करके बाबूजी आज ओम प्रकाश पासवान कहता है कि आज भाजपा की ताकत को मैं आजमाऊंगा। बाबूजी देखें भैल का नतीजा एकदम सामने आ गई, 25 मार्च 1996 को शाम को बाबूजी गोरखपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर बांस गांव में जाकर के अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करने के बाद ओम प्रकाश पासवान अपने साथियों के साथ जैसा ही मंच से नीचे उतरता है, बाबूजी गुंडे जो हैं पहले से ही अपना गिरोह बना करके और इकट्ठा हो गए थे। इससे पहले कुछ समय पहले जो है कुछ महीना पहले 3 बार ओम प्रकाश पासवान के ऊपर में बाबूजी बम चलाया गया, 3 बार बच गए, 4th बार आज ये देखिए मंच से उतर रहे हैं, उसके बाद हमलावरों ने बाबूजी बम चला दिया, बम से हुआ क्या टेरी के अंदर भाव दिया गया। अरे राम धरतिया पर गिरल बालसिया, अरे तलजुग अंदर मुलायम के कर पुछबा यसिया, यो 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 कलजुग अंदर मुलायम के कर पुछबा यसिया, धरतिया पर गिरल बालसिया। लेकिन बाबूजी बात लगे लल्हा के अंदर तर्ज उहे बा अल्हा के, अल्हा के उहे तर्जबान कि अरे कवन हो चिरैया बिनु डाया नवा के उड़ी रह गईली, कवन हो चिरैया बिनु डाया नवा के उड़ी हो गईली, कवन हो चिरैया बिनु डाया नवा के उड़ी हो गईली, कवन रे नदिया सूखे न बढ़िया
जी देखें बम बाजी जब हो गया तो भयल का अल्लाह के अंदर बात लिखल गई का कि खून से रंगाई गईली धरती मतरिया ए भैया, खून से रंगाई गईली धरती मतरिया ए भैया, खून से रंगाई गईली धरती मतरिया ए भैया। दस लोग बम से गईले स्वर्गवा सिधारा, दस लोग बम से गईले स्वर्गवा सिधारा, दस लोग बम से गईले स्वर्गवा सिधारा। धरती माँ खून से एकदम लपालप हो गई कि अरे बाप रे बाप, आज मुलायम सिंह की धरती क्या कर रही हो तुम? दस आदमी बाबूजी बम से, वो लोग भी दुनिया को छोड़ करके विदा हो गए। लेकिन भाई साहब खबर को पा करके एसएसपी साहब आ जाते हैं। एसएसपी साहब का नाम का रहल तनी सुना बतिया का कि राजा दीप सिंह रहले उनकर नमवा ए भैया, राजा दीप सिंह रहले उनकर नमवा ए भैया, राजा दीप सिंह रहले उनकर नमवा ए भैया। हो सके वहां पर लागल भीड़ बारिया, सिंह आते हैं पूरे बाबूजी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के जितने अधिकारी हैं सब के सब आते हैं। थाना के अधिकारियों को कौन पूछता है? एसएसपी साहब आ करके डांटने लगते हैं कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसी तुम लोगों की डिप्टियां हो रही है कि आज मंच के ऊपर हमला हो गया, जबकि 50 पुलिस के जवान विधायक जी के साथ हैं, 50 सिविल ड्रेस में अपने तरफ से वो गार्ड रखे हैं, फिर भी जो है कि विधायक के ऊपर में जो है कि बुरा अत्याचार किया गया। लेकिन बाबूजी इस बात को सुनते हुए फैल काम कि बांस गांव में आज तूफान के रूप में बाबूजी इतना जोर से हवा चल रही है कि मालूम पड़ रहा है कि पूरे गांव को ही आज उड़ा ले जाएगी। तमाम वहां पर इकट्ठा हो गए लोग, धुआंधार होने लगा तो कहा गया कि वो भी एक जमाना था कि बुरा काम का, अरे बुरा काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने किया बुराई उनका उनका घर देखो। तो कहा गया है कि पलई के पांगल पनकते रही जबकि जोरी से उकरा के काटल न जाए, ब्रह्मा तहिली तहुरल जाई दुश्मन दहाड़ी त सारे के थुरल। लेकिन भाई साहब बिरहा के आखिरी लाइन लगल भयल का आए, अरे कैसे पपियवन से समाज सुधरी, छोड़ के गईला राजा नीतिया स्वर्ग के नगरी, 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 छोड़ के गईला राजा नीतिया स्वर्ग के नगरी। लोग ऐलान में यह कर लगलन बाबूजी बतिया बर्दाश्त ना भइल त आज स्वर्ग से धरती जो है कह रही है कि ये पापी गुंडन से, ये गुंडा पापिन से कैसे जोंजबा कि समझबा सुधरी हमार। आज माननीय विधायक ये दुनिया के छोड़ के राजनीति करे वाला विदा हो गेलन। आज जब विदा हो गेलन तब भैल का बाबूजी देखा बतिया सामने आ गए हो मेरा लाल कि पाई के खबरिया वहां मुलायम, पाई के खबरिया। देख खबर जब जाती है लखनऊ में माननीय मुलायम सिंह यादव गरीबन के मसीहा यादव के शेर कैलन काम कि पाए के खबरिया वहां पर आई ले मुलायम, अरे बोले कि बेटा कमलेश राजा बनल रहा काए, बेटा कमलेश राजा बनल रहा काए, बेटा कमलेश राजा बनल रहा काए। पपियन के बाधम हमारे सम कीड़ा सारी, छोड़ी के गईला राजा नीतिया स्वर्ग की नगरी। यह मुलायम सिंह कहलन की बेटा कमलेश जियत रह लाल, आज जैसन ओम प्रकाश माँ के गोद में जन्म ले रहलन, विधायक रहलन, लेकिन दुनिया के राजनीति सिखा के गलन गरीबन के कितना बाबूजी घर बनवलन द्वार बनवलन, गरीबन के बिटिया के शादी में बाबूजी रुपया दिलन, सड़क बनवलन बिजली लगवलन, आज उन्हीं के बेटा तू सवा शेर के रूप में अवतार ले हुआ तू हूँ विधायक बनवा। लेकिन बाबूजी देखन कहलन कि पपियन के रेशम के रसरी में बांधव, 2,00,000 रुपया माननीय मुलायम सिंह यादव ऐलान कैलन कि जो भी पुलिस के जवान इस गद्दारों को पकड़ेगा उसे 2,00,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। लेकिन देख भैल का बाबूजी सामने बतियाया गए कि पकड़ में ना आए पापी भैल फरार हो, अरे 17 अप्रैल राजेश भैल गिरफ्तार हो, 17 अप्रैल राजेश भैल गिरफ्तार हो, 17 अप्रैल राजेश भैल गिरफ्तार हो। सपा के नेता यादव श्री भगवान लहरी, छोड़ी के गईला राजा नीतिया स्वर्ग के नगरी, नगरी हो राम स्वर्ग के नगरी हो राम स्वर्ग,
बाबूजी, कातिल में एक जो है राकेश नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जब गिरफ्तार हो गया, अभी आप लोग सांसद वाले चुनाव में देखे हैं, एमपी बनाया गया माननीय ओम प्रकाश, स्वर्गीय ओम प्रकाश विधायक की औरत सुभा देवी को एमपी की सीट बाबूजी निकल गया। आज सुभा देवी जो है कि बाबूजी जीत करके दिल्ली में आई, मुलायम सिंह के साथ में ताल में लगलवा। सुभा देवी के ऊपर आज दुश्मन भी अत्याचार करे के रूप में तैयार हो गए हमन। कहानी यही से समाप्त बाबूजी। देखा भयल का कुसुम पराग स्वामी जदू गुर साधु हुई गजब की खेल, बाला भोला काशी कहे पटरी से उतर गई रेल। अरे राम धरती पर गिरल बालसिया, धरती पर गिरल बालसिया, यादो श्री भगवान के माधो काट फसिया, हो धरती पर गिरल बालसिया। साथियों बड़े अच्छी लाइन है लिखे हैं कवि, क्या कि आज खतरे में असमत पड़ी हिंद की, देख कर के इधर दिल के अंदर है उठता, हम के आंसू नैन से छलकने लगे, सारे अरमान देखो शहीदों का मिटता। कौन कहता है हमको आजादी मिली, मिट गई जब खुशी ऐसी बदनसीबी, विधि के विधाता विकल हो गए, वेदना से व्यथित कर रही है गरीबी। सर्ज बाबू है मास्टर कि तुम तो ठहरे परदेसी, कि तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे, ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से, अरे सुबह पहली गाड़ी से, अरे घर को लौट जाओगे, बड़ा सुंदर भाव कवि लिखे हैं, क्या कि दे दिए हैं कि अरे दे दिए हैं आजादी, अरे दे दिए जो आजादी, अरे कैसे भुलाओगे, जो आजादी कैसे भुलाओगे, कैसे भुलाओगे, अरे दे दिए जो आजादी कैसे भुलाओगे, लग गई जो दागी तो, अरे तुम ना छोड़ा पाओगे,
एक पति बढ़ा के दे मास्टर। यहाँ कौवाली का सरगम्बा हारमोनियम के संगत से क्या कि लाख कुर्बानी परिवर्तन मेरा आजाद हुआ मगर दरिंदों की करतूत से बर्बाद हुआ। आजादी कारण साहब, आजादी कारण साहब संविधान बनाए, आजादी कारण साहब संविधान बनाए, समानता हक सभी अब गरीब को दिलाए। शाहजहांपुर जिला वाली ये हकीकत है, शाहजहांपुर जिला वाली ये हकीकत है, वतन के लोगों को जो दे रही नसीहत है। ग्राम दयापुर, ग्राम सैजनपुर थाना मदनापुर की बात सुनो, ग्राम सैजनपुर थाना मदनापुर की बात सुनो, धराया नथु के संग पापियों की घात सुनो। जब प्रधानी का गांव में जब आया है बड़े अरमान से ये पर्चा को भराया है। साथियों पहले बात के समझ लाई कहां का घटना बा कहां का कांड बा। जिला शाहजहांपुर में ग्राम सैजनपुर मदनापुर थाना में एक पति पत्नी, पति का नाम धारा और पत्नी का नाम नथो, गरीब परिवार का और साथियों ये दलित परिवार के दोनों परानी रहलन। जब प्रधानी के इलेक्शन आयल बा वही गांव के जनबा पर्चा जब प्रधानी के लिए भराए लगल तो वही गांव में एक बहुत मानल जानल बाबू साहब रहलन जिनका नाम रहल रामनाथ सिंह, उनकर भी पर्चा भरायल बड़ा जोर से इनकर जलवा चलल प्रधानी वाला चुनाव प्रचार के। लेकिन वही गाँव में एक दलित भी अपन प्रधानी का पर्चा भर दिले बा। देखियो साथियों अब चुनाव का माहौल गर्मी गर्मा पर चलत बा। प्रधानी वाला एक थे तर्ज कवि लिखलन नई नई का किछु लत गई लए बेटा ई बाठे लगाड़ी हो भभुआ घुमावल जइबा। कि अरे छु लत गई लए बेटा ई बाठे लगाड़ी हो भभुआ घुमावल जइबा, होली के पिछाड़ी हे भभुआ घुमावल जइबा। देखा प्रचार प्रधानी का चुनाव प्रचार बड़ा तेजी में गांव में माहौल बनल तो भल का कि रामनाथ सिंह का हल्ला गौआ में भारी हो इनके जीतै न त बड़ी हाँ बीमारी है। इनके जीतै न त बनी है बीमारी हो, इनके जीतै न त बनी है बीमारी हो, इनके जीतै न त बड़ी है बीमारी हो, इनके जीतै न त। लोग हल्ला करें इनकर प्रचार करें लेकिन बाबू रामनाथ सिंह बड़ा आदमी लोगन के शराब पिया पिया करके अपने प्रचार में लगा देना। हल्ला इनकर बा भैल का कि इनकर पतंग बा निशाना पहचाना, गौआ के लोग इनकी बतिया के माना, आ पी के शराब पापी कर मारा मारी हो, इनके जितावा ना तो बड़ी है बीमारी है। इनके जितावा ना तो बड़ी है बीमारी हो, इनके जितावा ना तो बड़ी है बीमारी हो, इनके जितावा ना तो। है संविधान में लिखा हुआ, है संविधान में लिखा हुआ सबका अधिकार समान यहाँ, है संविधान में लिखा हुआ सबका अधिकार समान यहाँ, निर्धन हो कोई भारत में या कोई हो धनमान यहाँ। झट धारा सिंह ललकार उठाना चाल चलो मनमाना, तू शोषित और दलित है एक हुए क्या इनको ना पहचाना तू। एक दिन साथियों बाबू रामनाथ सिंह अपने प्रधानी का चुनाव प्रचार करत कर जुनबा वही दलित महिला धारा और नथुक दरवाजे पर पहुंचलन है तो जाकर के कहलन कि अरे धारा एक काम करना कि अपनी पत्नी से भी कह देना तुम भी
मुझे ही वोट देना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा भोगना होगा। हमको वोट देना मेरा निशान है पतंग का, वरना अगर चुनाव हार जाऊंगा तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत गलत भोगना पड़ेगा। गरीब तो रहला दोनों परानी जरूर, लेकिन ललकार करके कहले बा ओस मौकर पत्नी नथु कि झटधारा सिंह के बात सुन करके साथियों एक बात कहला कि अरे अब शोषित और दलित इकट्ठा हो चुके हैं, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हमारा जहां हम स्वतंत्र हैं, हमारा संविधान में लिखा हम स्वतंत्र हैं, हमको वोट देने का अधिकार है, हम जहां चाहेंगे अपने मन से वोट वहां देंगे। साथियों ई बतिया जोन बा बाबू साहब रामनाथ सिंह के बड़ा जहर लगल, तेजी ने खेत तर्ज बाका कि अरे नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, टूटही मराई अब घन बसवारिया, हो गौरा के बीच बा पलानी मोरे भैया, नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया। साथियों धीरे धीरे उ दिन भी आ गल जहिया ओट पड़े के बा तब भैल का कि आई गई ना वोटावा कदी ना मोरे भैया, फिर वह बतिया ओट के दिने भी नथु जा करके ओकरे दुआरे पर कहलन, सारी नथु के दुआरे पर जा करके बाबू साहब जोन बा रामनाथ सिंह फिर कहलन कि ओटवा हम ही के दिहे रे धारा के पत्नी नथु, नहीं तो हम अगर चुनाव हार जाब तो बड़ा बुरा तो उनके भोगे के होई। लेकिन फिर उल्टा जवाब दिला कि बाबू साहब हमारे जहाँ मन करी तहाँ वोट देव, हम स्वतंत्र हैं। तब का कहले बाबू साहब तने सुनला, धीरे धीरे जब वोट पड़ गल चुनाव गिनाए वोट गिनायल तो वोट जब गिनायल तो ओकर परिणाम का भल तने सुनला चुनाव का कि हारी गई ला ठाकुर भाई ने दिल में गलनिया, बाबू रामनाथ सिंह के विपक्ष में जवन वो साथियों दलित आदमी खड़ा रहल दलित समाज का वो चुनाव जीतल, आ जब वो चुनाव जीतल तब बाबू साहब के बड़ा गलानी भइल धारा और नथु के प्रति, ओकरे दरवाजे पर गुस्सा में गइलन और कहत का बाटन का कि हारी गइल ठाकुर भइल दिल में गलनिया, अरे धारा और नथु से ऊ कहे अभिमनिया, अरे हरा ला का कीमत चुकाए ले बतुआ से, हरा ला का कीमत चुकाए ले बतुआ से, हरा ला का कीमत चुकाए ले बतुआ से, अरे कुसी मोर लिहलु तू छून मोर भैया, हो आई गई ना वटावा का दिन मोर भैया, कभी टेरी दिहलन का एकर प्रतिशोध का बदला अपने हरले का बदला लेवे खातिर साथी, आज जब पहुंचल बन धारा और नथों के दरवाजे पर तो कभी लिखलन का कि अरे साहब का संविधान रोपला, अरे लूटन चले अधर्मी कामी बन बेईमान, अरे बेईमान, अरे बेईमान, अरे बेईमान, प्रतिशोध में जलता रामनाथ धारा की द्वारी आया है, जयवीर सुरेंदर भी साथे में नथो को पकड़ के लाया है, पांव पकड़कर बोली धारा बाबू ये खाली झोली है, मत लूटो पानी को बाबू रोकर के अबला बोली है, मेरे खिलाफ मारी मुहर मैं तुझ पे मुहर लगाऊंगा, मैं तुझे हराई हो अब की, मैं तुझे हराई हो अब की, मैं तुमको मजा चखाऊंगा। साथियों अपने दो साथियों को लिया जयवीर और सुरेंद्र को साथ में, रामनाथ पहुंचा धारा के दरवाजे पर, उसकी पत्नी नथु को पकड़कर घसीट कर ले गया साथियों, रो रो करके वो अबला कहते कि बाबू आप मेरे मुझे बेपानी मत करो, मेरी इज्जत आबरू को मत लूटो,
लेकिन ललकार करके कहा, वो रामनाथ कि तुम मुझे हराई हो, मेरे निशान पर मोहर नहीं लगाई हो, लेकिन मैं तुम्हारे निशान पर मोहर लगाऊंगा, इसका मजा भी तुझे चखाऊंगा। घसीटते हुए दोनों पति और पत्नी को ले गया साथियों, धारा और नत्थों को जब ले गया है, एक पेड़ में बांध दिया। किया क्या, यहाँ रानी सरंगा का गीत बा कि पेड़वा में बांधी दिहले अरे पपनी रा दैया हो रामा, पेड़वा में बांधी दिहले पपनी रा दैया हो रामा, पेड़वा में बांधी दिहले पपनी रा दैया हो रामा। साथियों आज वो दोनों दलित पति पत्नी के पेड़ में बांध दिया अलग अलग, और पेड़ में बांध करके किया क्या, वह पेड़वा में बांधी दिहले पपनिया दैया हो रामा, पेड़वा में बांधी दिहले पपनिया दैया हो रामा, पेड़वा में बांधी दिहले पपनिया दैया हो रामा। गई दिहला ताना वाऊ घर जी बिलखी बिलाखी रोवे अबला गुजरिया हो रामा, बिलखी बिलाखी रोवे अबला गुजरिया हो रामा, बिलखी बिलाखी रोवे अबला गुजरिया हो रामा। सुन नाही तनी को पुकार जी। आज वो दोनों पति पत्नी के पेड़ में बांध करके उसकी औरत नत्थों को साथियों लोगों के सामने ही नंगा कर दिया, और नंगा कर दिया वो अपने इज्जत की बचाओ बचाओ की गुहार दे रही है वो अबला। लेकिन वो कमीना एक भी बात नहीं सुना, उसके साथ ही दो थे जयवीर और सुरेंद्र, और वह रामनाथ आज शराब का दौर चलने लगा। देखें पति के सामने वह लड़की, वह रो रो करके नत्थू कहती है क्या कि माने ना कसैया बाधे अरे धारा के मुदैया हो, लुटलाई जतिया पापी अरे सुना ना दोहाईया हो, पकड़ी पयरिया के रोवे गुजरिया हो रामा, पकड़ी पयरिया के रोवे गुजरिया हो रामा, पकड़ी पयरिया के रोवे गुजरिया हो रामा। बिगड़ल धारा मामा हमार जी। दोनों के पेड़ में बांध के लटका करके बुरी तरह से मरलन है, आज जब शराब पिए लगे शराब का नशा छवले बा साथियों, तब वो तीनों कहने लगे कि अरे अभी इसे छोड़ दो, रस्सी इसकी खोलो, जरा इसके असमत से भी हम लोग मजा लें, जरा इसके असमत पर भी मोहर हम लोग लगा दें, ताकि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। साथी वह नीच कमीना रस्सी खोल कर जब उस अबला को पति के सामने नंगी कर दिए हैं सब, और उसकी इज्जत लूटने की तैयारी करते हैं, तब अबला रो करके एक बार फिर कहती है क्या विदेशिया में कि तनवा उघारा कई के, तनवा उघारा कई के हर लूट पापी पनिया हो, बिलखी बिलखी रोवे अबला गुजरिया कि अस्तन पर मोहर लगावा सैता नावा हो, अरे झर झर बरी से ला धारा के नजरिया। साथियों हैवानियत की हद हो गई, उसके अस्तन पर साथियों सचमुच मोहर सब लगाने लगे। ये देखें मजाक, आज अपने पत्नी की स्थिति देख करके साथियों उसका पति धारा झरझर झरझर आंसू बहा रहा है। यह आजादी है, यही हम गरीबों को आजादी मिली है साथियों, इसीलिए कवि को कहना पड़ा कि देही के आजादी संविधान बना वाला हो, अरे कैले अंग्रेजा बाकी कायम बागुल मिया, द्वापर में द्रौपदी का चिड़िया बढ़वाला हो, अरे कल युग में सुनला ना मोहन गोहरिया। साथियों अंग्रेज हमारे देश में आजादी तो दे दिए जरूर, लेकिन आज भी हम इस आजाद देश में गुलाम हैं, इसीलिए तो बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि आजाद देश में, आजाद देश में आखिर बहुजन समाज पार्टी के लोग गुलाम क्यों हैं? इस पर सोचना है, मनन करना है।
हम गरीबों को आजादी कितनी परसेंट मिली है, कभी यहाँ लिखे ले बाटे का, इज्जत लूट लिए अपनी वाली करके वो कमीना बंदूक की नाल से धमकाते हुए उस अबला को एक बात कहे, उसके पति से एक बात कहते हैं सब क्या, अरे देखा के बंदूक भगला चारों घातिया या बला रो वैले आके उसे कही हम तरतिया के बतिया या बला रो वैले बंदूक धमकाते हुए देखा कर कहते हैं से कि रात की बात ही हम लोग तुम्हारे साथ जो आज किए हैं किसी से मत कहना वरना तुम्हारी बेइज्जती होगी और अगर हम लोगों की बेइज्जती होगी तो इसका अंजाम तो और बुरा भोगना होगा। ऊ रात भर दोनों परानी रोवत रहल भयल कातने सुनला कि रपट लिखाने चली है न तू विधायक समझ आए हो अब माफ करो तू अब की बेरी बतिया यही बताए हो तीसरा दिन एसपी से कहली बतिया या भला रोवले अब पकड़ जेल में गई न चारो सतिया या भला रोवले धमकी से वो नथु एक नहीं डरती है साथियों, इसीलिए तो कहा गया है कि अगर अन्याय करने वाले को जो अन्याय सहता है अन्याय करने वाले से अन्याय को सहने वाला जो है गलत होता है। इसीलिए अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर किसी गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो अपनी गुलामी की जंजीर वह तोड़ देगा। साथियों नथु इस बात को बर्दाश्त नहीं करती है। पहले दिन तो किसी विधायक के समझाने स्थानीय विधायक के कहने पर वो नथो मान गई लेकिन दूसरे दिन साफ साफ वो बेचारी पहुंचती है एसपी ऑफिस में और अपना एफआईआर उन चारों गुंडों के नाम से करती है और तुरंत जोन बा एसपी साहब का आदेश भल वो पकड़ करके सब जेल में चारों साथी गईलन। लेकिन कभी कहा एक बात लिखना पड़ा साथियों आल्हा में प्रमाणित ने पति बढ़ा दो मास्टर धनवा गईला मिल जाला दुनिया में ई विष्णु भाई देखा यह जन विष्णु भाई बाटन दिल्ली वाले जो हमारे साथी हम इनसे कहना हमारा यो समझावेला कि दौलत मिल जाई धन के गईले से धन मिल सकेला लेकिन इज्जत चल जाई तो इज्जत ना मिली। यह बात हमारे मिर्जापुर के जोन बा भैया वैजनाथ समझावेलन। यह बात हमारे बनारस के जोन बाटे धर्मराज यादव कंड के जोन दुकान के इंटर बा भी यह समझावेला कि इज्जत जोन बा सबसे बढ़कर के है। धन गईले धन मिल सकेला लेकिन चरित्र गईले जोन चरित्र इज्जत गईले इज्जत ना मिलले ए लिए हमार कहना पड़ गेल का कि अरे धनवा गईले मिल जाला दुनिया में अरे आबरू गईले नहीं मिल संसारा अरे पनिया का कीमतिया परनवा से बढ़ी के पनिया बजान दे देला पानी धारा जेल में गईलन चारों कमीना जरूर लेकिन भलका भैली जमानत घर अल बेमनावा अरे सुलहा कबतिया चलावा बदकार लेकिन मानो नहीं नथो तब घतिया लगवल अरे राजा राम दोस्त रहला धारा का लोहार अरे उन्हीं से पतिया भेजवाए घर पपिया अरे तुहके बोलाए हैं वकील यही बार धोखा कह दिल सब। अब जो बा मुकदमा चला लगल जमानत तो हो गई मुकदमा चला लगल लेकिन नथु के सामने ये सब रखे से कि सुलह हो जा नथु कह कि एक सुलह नहीं होगी तब एक घात लगौलन सब कि नथु के जो वकील है उनके नाम से चिट्ठी लिख करके राजा राम उनकर दोस्त रहना धारा का उकरे पति के उनके बोलवौलन कुल की तुहार वकील बोलौले बाटन चिट्ठी ले जा करके जब धारा और नथु के देहलन कह रहे नथु के जो बात तुहार वकील बोलौलन और जब ये बात सुन करके धारा और नथु अपने वकील साहब के पास गिलन कचहरी में तब का भल कि अरे चिट्ठी लेके धारा गई ना वकील जी के घरावा अरे कहला वकील साहब पत्र ना हमारा अरे लवटी के आवत रहला अपने भवनावा अरे बदल मुनेश्वर सिंह निरीक्षक का विचार अरे कई के गिरफ्तार थानावा पर भेजी दी हले
अरे श्रीपाल सिपाही साथ रहला रे कुमार, अरे मारल अरे लठिया से पूछे बेईमान जाना अशोक कुमार। राम राम हो राम, वो चाल में फंस गल अपने घर आवत रहल लवट करके धारा वकील साहब के घर से अपने घर आवत रहल। ई सब पहले से एक दरोगा के मिलवले रहल सब स्थानीय थाना के दरोगा के। उ दरोगा जोन बा घात लगा करके रास्ते में इंतजार करते कि ही रास्ता से धारा आई। देखे भुवनेश्वर सिंह वह सब इंस्पेक्टर जो था साथियों सिपाहियों के साथ पकड़ लिया और पकड़ करके मारते पीटते गिरफ्तार करके धारा को थाने लाता है। साथियों थाने पर लाया है, लाठियों से मार मार करके और साथियों से जोनबा वही चोरी का इल्जाम लगा करके जोनबा धारा के चलान करके जेल भेज दिया। साथियों ये बात जोनबा जब नत्थो जनलेबा जा करके एक स्थानीय नेताजी से मिल करके जा करके एसपी साहब से सारी कहानी बतौले और जब पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार बात के सुनलन तो एक जांच करे लगलन। तो जांच में थाना पर रजिस्टर में धारा का नाम भारत पुत्र रूप राम भुजर्गी दर्शाया गया था, जबकि उस गांव में भुर्जी भारत पुत्र रूप राम भुर्जी दर्शाया गया था, जबकि उस गांव में भुर्जी जात के लोग रहते ही नहीं है। इसलिए एसपी साहब अशोक कुमार ने तुरंत उस दरोगा भुवनेश्वर सिंह को और उन सिपाहियों को, कौन कौन सिपाही थे कि श्रीपाल और राजकुमार, ये दोनों को तुरंत साथियों लाइन हाजिर कर दिए। और का भलतन कई लड़का सुन ला, अरे कैसे है गरीबन का हालत सुधरी, आधरो अरे धारा नाथो का भवन वारे कबले जरी, जबकि साहब संविधान का रचनावा दिहला समान हक भारत का रतनावा, बाबा साहब जिस समय संविधान बनाए सबको बराबर हक दिया, इसीलिए तो बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमको शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानो मानो एक समान ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है, लेकिन आज हालत क्या है कि लिखल बतिया साहब का निभावे के परी, आधारा न तो कभव नवारे कबले जरी, हमार कहना बाका कि एकजुट हो के भैया एकता बनावा, अब बाबा साहब के सपना के अब से सजावा, अरे तब भारत देशवा का सपनावा सुधरी, आधारा नथो का भवा नवारे कबले जरी, सोमनाथ की पारी मूलचन और दल सिंगार श्यामू के बने पुजारी, अरे भाई साहब का संविधान रो पड़ा, विष्णु राम निवास का वतन गजब किसान सा।